मतलब भोग करने वाले कौन है?
केवल भागु ही और हम ही सेवक हैं। हमारा धर्म ही हम कैसे भगवान को सुखी कर सके, अपना सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोले कन्या विराजिता सुखना, उनकी सेवा के अतिरिक्त और कितनी इच्छा हमें त्याग देना चाहिए। अब फिर प्रश्न होता है तो उनके सुखी उनके लिए केवल सुखी करने के लिए कोशिश करें, पर हमें सुखी करने के लिए हमें कैसा आनंद मिलेगा? बोले जरूरत नहीं, अपना आनंद लोगों मिलेगा। जब भगवान को हम प्रसन्न करेंगे ना तो अपने आप को सुख जाओगे। भगवान जितने प्रसन्न उनकी के लिए करोगे, अपना लिए कुछ करने का जरूरत नहीं, अपने आप खुश हो जाओ। भगवान प्रसन्न हो गए तो बोले तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान संतुष्ट हो जाए विश्व ब्रह्मांड अपने आप संतुष्ट हो जाए। इसलिए अपनी भोग की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु बोले भक्ति करना तो न धनम, धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, न जन्म, जन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, न सुंदरी, सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है न सुंदरी जगदीश काम है, संसार की कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए वित्रासुर कहते हैं ननाक प्रश्न न जपार नेष्टम न सार भौम न रसाधिपत। भगवान कह रहे हैं जब वित्रासुर कह रहे हैं प्रभु केवल हमें तुम्हारी सेवा चाहिए और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। इन्हें हाथों से जैसे तुम्हारी चरण की सेवा, जीवा से जैसे नाम है, प्यार से जैसे तुम्हारी परिक्रमा, कानों से जैसे तुम्हारी कथा, आंखों से जैसे तुम्हारे रूप का दर्शन करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं कुछ देना चाहता हूँ, ये चीज को ले लो, क्या है, है? बोले स्वर्ग ले लो, स्वर्ग ले लो। बोले प्रभु मैं स्वर्ग नहीं चाहता, नहीं तो उसको ऊपर में ब्रह्म लोग हैं सबसे श्रेष्ठ लोग, उसको ले। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं तो एक काम करो प्रसाधिपत्य जो नीचे जो पाताल लोग में उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य है उसको ले। बोले नहीं नहीं, बोले उसको नहीं लेगा तो फिर मुक्ति ले, जहाँ जन्म नहीं मृत्यु नहीं जरा व्याधि दुख कष्ट नहीं वहाँ ले। बोले नहीं नहीं ब्रह्म नहीं चाहते। बोले फिर क्या चाहते? बोले जैसे ब्रजवासी कृष्ण गृह में दिन रात उनकी चिंतन करते 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 जब उसमें डूबे रहते थे, ब्रजवासी जैसे उसमें डूबे रहते थे, प्रभु केवल हम चाहते हैं हमारे विरह में चिंतन में ये तन मन सब कुछ उसमें ही हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए अपना भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अरे मुक्ति ले लो, बोले नहीं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों को मुक्ति देने पर कहते नरक का बादशाह तो वो साधु देना चाहिए। भले हमें नरक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम कभी साधु जी मतलब बताएं भगवान में बिकना लास्ट। बोले प्रभु हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नरक में जाएंगे ना तभी तो वहां से निकलेगा, पाप खत्म हो जाएगा, फिर जगत में जन्म लेंगे। अगर भक्तों का संग मिलेगा तो मैं धीरे धीरे आगे तुम्हारी भक्ति प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन एक बार अगर वो मुक्ति धाम में वो ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया फिर वहां से वापस आना व्यर्थ वहीं पर है। जैसे एक शराबी पड़े रहते हैं तैसे ही पड़ेगा। इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए बोले एक तरफ में एक शिक्षा दिया है, एक तरफ में जो भगवान लीला का से ज्योति कहते हैं, एक तरफ में ऐसे एक साधु खड़ा है, दूसरे तरफ में एक शेर खड़ा हुआ है, आप बीच में बताओ किधर जाओ? पर किधर शेर खड़ा हुआ है उधर जाओ, क्योंकि शेर खा जाएगा वो एक जन्म ही हमारे नष्ट हो गई। लेकिन अगर इसकी पल्ले में अगर पड़ गया जो भगवान को लीला का निर्मी से ज्योति पल्ले में पड़ गया तुम्हारे जन्म जन्म हृदय से भक्ति भक्ति खत्म हो जाए, हृदय निरस हो जाता है। इसलिए हम ऐसे मायावादी ब्रह्मवादी साधु का संगम नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमें मुक्ति की इच्छा
इच्छा तो हमें त्यागनी चाहिए। या तीसरा चीज क्या है, बोले तीसरा चीज है निषिद्धाचार। बोले निषिद्धाचार मतलब क्या, जो भक्ति से विरोध चीज, वो चीज हमें त्याग देनी चाहिए। बोले भक्ति का विरोध क्या है, बोले अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघर्ष लोलन की भक्ति को विनाश करे। क्या है अत्याहार, अत्याहार मतलब प्रयोजन से ज्यादा वस्तुओं को संग्रह करना, जितने शरीर निर्वाह की जरूरत उसको उतना ग्रहण करो, उसको अगर ज्यादा ग्रहण करोगे उसको देखभाल करने में इतना समय लग जाएगा, जो समय तुम्हें देना चाहिए था भगवान के भजन में ठाकुर जी के लिए तुम जितने संग्रह कर सकती हो वो ठाकुर जी को सुख देने वाला, भगवान की सुख देने वाला। इसलिए हमारे गुरु वर्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े सुंदर मंदिर हैं, अपना घर से भी बड़ा है, अपना घर से भी बड़ा है। यदि इसलिए जिसने ठाकुर जी की सुख हो, भक्त लोग आए यहाँ पर बैठे ठाकुर जी की कथा सुन, ठाकुर जी की कथा सुन। इसलिए किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया, बोले प्रभुपाद जी आप तो साधु, आपको तो पेड़ के नीचे रहना चाहिए, आप यहाँ पर इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े सुंदर सोफा और क्या क्या कुर्सियाँ, सब क्या चीज है। प्रभुपाद ने कहा ये मेरे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, अगर मैं पेड़ के नीचे बैठता आप कभी यहाँ नहीं आते, अगर मैं पेड़ के नीचे बैठ कर भजन करते तो तुम लोग यहाँ कभी नहीं आते, बैठ कर कहा नहीं सुन, वो मेरे लिए नहीं है तुम लोगों के लिए। इसलिए इतने सुंदर बनाया मंदिर को, जैसे आप लोग आए यहाँ पर बैठे भगवान का कीर्तन करे, ठाकुर की कथा सुने, जीव का कल्याण आत्मा कल्याण। इसलिए वो बोलते थे एक समय जब प्रभुपाद में जाते थे प्रचार करने के लिए, उस समय में गाड़ी में बैठना इतने आसानी से नहीं था, साइकिल साइकिल में चढ़ना है, अगर कोई गांव में कोई साइकिल ले आएगा भैया आपको व्यक्ति बात में एक साइकिल ले है, उस समय साइकिल में चढ़ना बड़ा कठिन, और स्कूटी में अगर चढ़ गया आपस में इतना बड़ा बात है, स्कूटी में चढ़ना है, लेकिन कार में कोई बैठ गया लेकिन प्रभुपाद जब प्रचार में जाते थे वो कार में बैठ करके जाते थे, आपको टिप टप बैठ करके। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी आप तो साधु हो, आपको पेड़ के नीचे रहनी चाहिए, शरीर में राख मलनी चाहिए, आप तो इतने सुंदर कपड़े बोट सूट पहन करके आए हो और कार में बैठे। तो प्रभुपाद कहने देखो कि विश्व ब्रह्मांड में जितने वस्तु है वो कृष्ण सदा देंगे, क्या तुम ये कार की बात क्या कह रहे हो, मेरे को अगर 10-20 एरोप्लेन दे दोगे ना, मेरे मन में इतने इच्छा है, मेरे पास इतने हरिकता इतने हरिकता, 10-20 एरोप्लेन दे दोगे, मैं चाहता हूँ विश्व ब्रह्मांड में ये भगवान की वाणी प्रचार हो, भगवान की कथा सारा दुनिया में जाए, सबके सब प्रसन्न हो करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चाहते दुनिया में भगवान की वाणी दुनिया में प्रचार हो। इसलिए अत्याहार मतलब है अपना अपना लिए ज्यादा वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के लिए इतने जोड़े कपड़ा पहना सकते हो, इतने उनके लिए सेवा बढ़िया से बढ़िया उनके लिए इतने सेवा कर सकते हो। इसलिए अत्याहार बोले प्रयास, प्रयास मतलब होता है चेष्टा, इच्छा, किस चीज की इच्छा करनी चाहिए, जिस चीज में गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट हो केवल उसी चीज की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसे कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए जो गुरु वैष्णव ठाकुर का कोई विरोध चीज हो।
पिछले प्रयास में पर्यंत पर्यंत मतलब होता है कृष्ण कथा छोड़ करके दूसरी बात को बोलो बोलो वो बोलो दीप घर बोलते रहो भगवान का कीर्तन करते रहो भगवान के नाम से करते रहो और भगवान की कथा बोलते रहो ना दिन भर कहते कहते सारा दुनिया की उसका बेटी ने उसका बेटा ऐसे कर रहा था उसको घर में कहीं से उसकी बहू ने ऐसे कर दी इसलिए कि सब सारा दुनिया की बात नहीं करनी चाहिए इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताए असत बात का पैसा मध्य सर्वस प्रहार उन्होंने बताया जो असत बात का असत बात का मतलब भगवान की कथा छोड़ करके जो बताए देखो क्या बोल पैसा क्या है वैसा बोले वैसा किसको कहते हैं बोले अपना पति को छोड़ करके जो दूसरे के पास में जाए उसको वैसा कहते हैं इसलिए हमारे पति कौन है बोले कृष्ण है इसलिए बोले जीवा असती तार को भी कहे बोले जीवा को बताए अगर ये जीवा कृष्ण कथा छोड़ करके अगर दूसरी बात में जाए ना तभी ये जीवा नहीं बोले ये असती असती नहीं क्योंकि हमारा असली ईश्वर पर भगवान है तुम्हें तो माता चर पिता तो नहीं हो वही हमारे प्रभु इसलिए जुहा का एक ही कर्तव्य जब उसी का ही कीर्तन करे उसी का ही नाम ले उसको छोड़ कर और जितने बात करते हैं तभी ये जीवा का सती ये कैसे आए ये मध्य सर्वस्वहारिणी हम देखना आप जैसे बात बोलोगे ना आपका मन उसी उसी में ही रमेगा मन अरे भगवान की कथा चर्चा करोगे मन में ठाकुर जी की चिंता है भावना है अगर दूसरी बात करोगे तो फिर मन क्या होगा फिर मन दूसरे तरफ चले जाए दूसरे तरफ चले जाए इसलिए बल प्रयास सब प्रजल पर है कृष्ण कथा छोड़ करके दूसरी बात ही प्रजल पर नियम है नियम मतलब होता है उतना ही नियम बनाओ जो नियम से भगवान की भक्ति कर सकते हो ऐसे कुछ नियम मत बना दो है ऐसे कुछ कोई नियम बनाया वो नियम कर रहे लेकिन ठाकुर जी कोई सेवा की बात आ गई लेकिन गुरुदेव तुम्हें बुला रहे बोले नहीं अभी तो हम कुछ नियम लिया हमने कुछ नियम लिया ये नियम लेकिन ठाकुर जी का सेवा ही नहीं किया गुरुदेव का आदेश पालन नहीं किया लेकिन नियम अभी तुम्हारे आग्रह हो गया ऐसे कुछ नियम बनाया जो उसे नियम ही मुख्य हो गया लेकिन गुरु जी वैष्णव और ठाकुर का सेवा नहीं ऐसे नियम कोई जरूरत नहीं इसलिए वो नियम बना किस नियम से भगवान की भक्ति बढ़े गुरु वैष्णव ठाकुर जी की सेवा हो पाए इसलिए जन संघर्ष जीवन में केवल भक्तों का संकट है उल्टा उल्टा लोगों का संकट नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को पास में बैठो जिसको पास में बैठने पर में हरी चर्चा ही मिले भगवान कथा सुनने को मिले दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए इसलिए नियम नियमाकर जन संघर्ष लवलच लवलच मतलब है लोभ है लोभ ही इतनी दुख का कारण है लोग भी जितने दुख का कारण है उतना ही संग्रह जरूरत है जो शरीर चले और भगवान की भजन हो जाए भगवान की भक्ति हो जाए हाँ अगर लोग करना तो लोग को करना क्या लोग करना आज एक लाख इनाम करेंगे लोग किस चीज की चलो गौरी मठ की कथा हो आरती होगी चलो ठाकुर जी की कथा सुनेगा आरती ये चीज के लोग होनी चाहिए हाँ? ये चीज लोग होनी चाहिए कोई गंदी चीज में लोग नहीं होनी चाहिए इसलिए इसलिए कहते हैं चीज क्या है ये कहते हैं भक्ति की ये प्रतिकूल वस्तु है भक्ति को ये नाश कर देती है इसलिए यहाँ पर बताए इसलिए कहते निषिद्धाचार और निषिद्धाचार और क्या चीज है निषिद्धाचार है जिसमें कली का निवास है जिसमें कली निवास करता है कली चार चीजों में निवास करता है बोले एक नंबर जुआ मत करो जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य नष्ट हो जाएगा दुतम दुतम पानम उसी तरह का नस्ली वस्तु स्वीकार मत करो
पान बीड़ी सिगरेट कपिन गांजा पान चुका गुटखा और चाय खाए की मत किया और इससे तपस्या नष्ट हो जाता है। स्त्रियम स्त्रियम मतलब होता है अपना पति को छोड़ करके, अपना पत्नी को छोड़ करके, पति को छोड़ करके और कहीं भी मत जाया करो। संसार करो तो अपना पति को साथ ही संसार करो। अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से नहीं मिलनी चाहिए। यह धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा चरण है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि नहीं खानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीव हिंसा का और एक अर्थ होता है। प्रभुपाद कहते हैं जीव हिंसा मतलब होता है जब तुम भगवान की शुद्ध कथा नहीं बोल करके लोग जैसे चाहते उनका मनोरंजन की बात, अरे जैसे चाह करो खूब मांस खाओ खूब मछली पियो खाओ खूब ये करो है शराब पियो, अरे एक बार सोने से पहले एक बार हरे कृष्ण बोलो। ये बंगाल में ना कुछ ऐसे संप्रदाय कुछ कुछ भगवान के ऊपर दोषारोप लगा कहते हैं, बोले जिस समय महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए सर्वत्र नाम प्रचार किया लेकिन देखा कुछ लोग हैं वो भजन नहीं कर रहे भक्ति नहीं कर रहे, फिर नित्यानंद प्रभु उसको सरल बना दिया। बोले क्या सरल बना दिया, वहां पर सरल ये बना दिया वहां पर एक मछली है माधु मछली, बोले खूब मछली खाओ इलिस माछ हाँ बढ़िया मछली तरह तरह का ये माछ खुद खाओ और जितना शादी करना शादी करो संसार को भोग करो और क्या करो हरिहरि। इसलिए उन्होंने भगवान को बोले जब देखा कुछ नहीं कर रहा चलो जो कुछ उल्टा पुल्टा करो और भगवान का नाम बोले नहीं। जब शुद्ध भक्ति को छोड़ करके हम विद्या भक्ति को प्रचार करते हैं लोग का मनोरंजन की बात करते हैं अरे छोटे से करते रहो कर यही जीव हिंसा है क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव कौन है भगवान की नित्य दास ही जीव है। जीव का क्या कर्तव्य भगवान की दासत्व को सेवा करना ही जीव का केवल यही एक कर्तव्य कर्तव्य है। जब शुद्ध भक्ति की बात करते हैं यही जीव को बताया जब शुद्ध भक्ति की बात नहीं करके वहां पर तेरह तरह का आपका संप्रदाय आप बाऊ नेड़ा नेड़ी सखी हैं दरवेश जात गोसाई स्मार्त जात गोसाई ऐसे करके ना तेरह तरह का बंगाल वहां पर असत संग असत संप्रदाय। लेकिन वो कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं लेकिन वो असली सही शुद्ध भक्ति नहीं। तोता बोले यही तरह संगन आए कहते अगर शुद्ध भक्ति करना चाहते हो तो तेरह तरह का जो असत संग त्याग ऊपर से दिखता ही है जैसे बंगाल में ना फिर कैसे कपड़ा पहने कपड़ा तो ऐसे पहने और पुरुष भी ऐसे पहना हुआ साथ में स्त्री है वो भी दोनों ही ऐसे पहने हुए हैं और घर घर में भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं हम तो भगवान की भक्ति करते हैं भजन करते हैं ऐसे कपड़ा पहन लिया एक तरह का ही कपड़ा का बदनाम ये कपड़े की बदनाम है। ये जो कपड़ा है किसका किस चीज के प्रतीक है ये कपड़ा है त्यागियों का प्रतीक है जिनका संसार से कोई संबंध नहीं स्त्रियों से संसार से कोई संबंध नहीं ये कपड़ा वो चीज की प्रतीक है। अगर ये कपड़े पहन करके अगर तुम गलत काम करो तब इसका बदनाम है। इसलिए तरह तरह का वहां पर उल्टा पुलटा बड़ी बड़ी चीज चलती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये सब चीज को जीव हिंसा को त्याग देनी चाहिए वहां पर दया नष्ट हो जाती है। कहते कुटी नाती कुटी ना है कुटी को मतलब खराब है ना मतलब नहीं इसलिए कुटी नाती नहीं करनी चाहिए। कुटी नाती मतलब होता है जो कपट है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कपट व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए भक्ति कहना तो ये कपटता को त्याग जैसे तुम्हें बाहर देखने में जैसे अंदर पैसे होनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अंदर बाहर सम व्यवहार मतलब बाहर जैसे तुम दिख रहे हो अंदर में भी वैसे हो ऐसे नहीं
हम दूसरों को ठगने के लिए डर रहे हैं, लेकिन अंदर और कोई चीज को सोच रहे हैं, और कोई चीज को सोच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का कल्याण करें, भगवान उनको कृपा नहीं करते हैं। छाल कपट और छाल मोहे नाही भावा, भैया क्यों होते हैं। इसलिए बंसुरी में दो गुण है, इसलिए कृष्ण उसको बजाते हैं। क्या दो गुण बंसुरी में? एक तो उसका अंदर में बोला, बोला मतलब खाली, उसका हृदय खाली। भगवान कहते तेरे पास में आओ ना, अपना दिल को साफ करके आओ, एकदम खाली करके आओ। दूसरा गुण किया, कृष्ण जैसे चाहते बंसुरी वैसे ही बजती है। अगर दो गुण आ जाएगा हमारे अंदर में, भगवान हमें बजाना शुरू कर देंगे, भगवान हमें भी बजाना शुरू कर देंगे। इसलिए कपटता नहीं करनी चाहिए। और क्या है कुटनाट बोले, लाभ पूजा प्रतिष्ठा दीप सखागण, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसका मतलब है ये चीज छोड़ना पड़ा है। कभी कोई स्त्री पुत्र परिवार संसार छोड़ते हैं, लेकिन जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा समझ करो, दुनिया हमारी, दुनिया में हमारे जैसे का है, सारा दुनिया में हमारी पूजा हो, हमारी ऐसे इज्जत हो, नाम हो, है। कहते ये सब चीज वो छोड़ देना कठिन, लेकिन ये चीज वो छोड़ना बड़ा कठिन। इसलिए महाप्रभु जो गुंडीचा मंत्री मात्र में कर रहे थे ना, हमने पहले धूल को हटा दिया, कंकड़ को हटा दिया, फिर पानी दे करके फिर साफ किया, फिर हमने क्या किया, उसमें जो छोटे छोटे दाग था ना, महाप्रभु ने अपना कपड़े लेकर के वो छोटे छोटे दाग को भी घीच घीच करके उसको भी साफ कर रहे थे। बोले छोटे छोटे दाग किया है, यदि जितने प्रतिष्ठा जितने हृदय में जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसलिए आप देखना अक्सर करके संसार में भक्ति जगत में भी जो लड़ाई झगड़ा ना, केवल इसी में हमारी इज्जत क्यों नहीं हो, हमें सम्मान क्यों नहीं दिया, हम क्या साधारण हैं, हम साधारण नहीं, हमारी जयकार करनी चाहिए, सबके सामने गले, हमारे गले में फूलों की माला हमें देनी चाहिए, हाँ समाज में हमारे। आप देखना अक्सर करके यही चीज के लिए कभी लड़ाई झगड़ा इसी चीज के लिए होती है, हाँ किसी चीज। इसलिए महाप्रभु ने भक्ति करना तो त्रिणा गति सुनी छी सही सुनना हमानी नदारी। अगर भजन करना चाहते हो दीन हिम्मत करके, घास से भी ज्यादा दीन बनो, पेड़ से भी ज्यादा सही सुन बनो, सबका आदर, क्योंकि जितने जीव है सब भगवान की संतान है, सबको आदर दो। कभी अपनी पूजा की इच्छा की, कभी प्रतिष्ठा की इच्छा मत रखो। देखना अगर आप सबका सम्मान करोगे ना, दीन ही रहोगे, भक्ति जगत में भजन करोगे। इसलिए प्रतिष्ठा मांगने का जरूरत नहीं, ये प्रतिष्ठा अपने आप आती है। माधवेंद्र बोली जब इनके लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया, खिचड़ा गोपीनाथ जी इनके लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया, वो रात रात वहां से भाग गए। बोले क्यों? बोले सवेर होते ही पुजारी सबको बोल देगा ऐसे एक संता है जिसके लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया। बोले क्या ठाकुर जी खीर चोरी किया? सारा दुनिया इकट्ठे होंगे दर्शन करने के लिए, चरण धुल देंगे। ये तो भजन की बात है, ये भजन में ये बात आई। इसलिए रात रात वहां से भागते, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे चेचे का सारा दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा हो, है। लेकिन साधु वो रात रात वहां से भाग गए। बोले क्यों भाग गए? बोले सवेर के सत्य सब भजन बाधा है, कहाँ हम निश्चिंत होकर के भजन कर रहे हैं, सारा दुनिया आएंगे चरण छुएंगे हमारे, ये करेंगे तो क्या होगा, भजन में बाधा होगी। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को पायखाना को अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से भजन करते, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को क्या करते थे, बैठ जाते थे चारी तरफ में मछलियों को कांटा को बिछा करके बिखरा करके रख देते। बोले क्यों? लोग को ये समझ में आ गए ये बाबा मछली खाने वाला बाबा, इसलिए कोई पास में नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर तो हम निश्चिंत होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लिए भजन करते थे, तो कारण है नहीं। भक्ति में हम क्यों चाहते हैं दुनिया हमारे लिए देखा, बताओ क्यों चाहते हैं? हमारी आनंद हो, जब सभी को बीच में हमारे जय करने देंगे, हमारे बाबा जी देखो चार दुनिया हमारे जैसे का पूजा कर रहे हैं, हम कितने बड़े, हमें आनंद मिलता है, इसमें आनंद मिलता है। लेकिन सचमुच से जो निष्कपट होकर भजन करते हैं ना, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी भक्ति रस की एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते। भक्ति में इतने रस है, भक्ति में इतने आनंद है, इसलिए श्री बिल्लो मंगल कहते हैं साधिक चिंता न भवती सकरे कंठसासी द्राक्षा द्राक्षसी। इसलिए कहते हैं अगर एक बूंद अगर राधा कृष्ण प्रेम रस की आस्वादन हो जाए, दुनिया की सारे आनंद उसको एक रस बनता है, तेरे तरफ में कोई नहीं देखेगा। ये अमृत अमृत बसी, ये अमृत तू मर जा, तेरे तरफ में कोई देखेगा नहीं। बोले हे सर करे, तू तो कर्कश हो गया है, मतलब तू कड़वा हो गया हो, क्यों? अगर राधा कृष्ण की प्रेम रस मिला, वो रस अगर मिल जाए सारा दुनिया के लोग उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जैसे हम भगवान के प्रेम रस में प्राप्त हो। कहता था कि सब चीजों को दूर कर देना, भक्ति लता आगे बढ़े। अगर इसकी चक्कर में अगर कोई पड़ गया ना, बस कोई पड़ गया जाएंगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बोले निम्न तो पन्नी अगर राखेंगे, हमारे सूरदास जी कहते हैं तुम्हारी जो निंदा करते हैं उसको पास कर, लेकिन हम क्या चाहते हैं हमारा जो प्रशंसा करते हैं उसको पास कर, जो हमारे जय जयकार करते हैं और जो निंदा करते भगाओ यहाँ से, हमारी निंदा चर्चा करते हो। लेकिन सूरदास जी कहते निम्न तो नी अगर राखी, जो तुम्हारी निंदा करते उसको पास में रखो। बोले क्यों? कारण नहीं, जब हम कोई गलत काम करेंगे वो टोकेगा ना, और टोकेगा तो हम क्या करेंगे, फिर वो गंदी चीज से दूर रहेंगे, गंदगी से दूर रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद का एक शिष्य थे, वो दो गुरु भाई रहते थे एक जगह पर, और एक गुरु भाई बहुत प्रचार करते थे उनका ही मंदिर, और दूसरे गुरु भाई भी रहते, लेकिन वो गुरु भाई है ना, इसलिए उनको पूज्य बुद्धि नहीं होता था। उसका गुरु भाई क्या करता था, वो कभी कभी उनको निंदा चुगली कर देता था, तो उनका जो शिष्य लोग थे गुरुदेव को, गुरुदेव को नाली से गर्म पर क्यों रखे, निकाल नहीं आ सकते, ये आपका निंदा बुराई करता है। तो उन्होंने कहा मैं जान बुझ कर रखी, उसको जान बुझ कर रखी, बोले कि बोले तुम लोग तो मेरे शिष्य है ना, तुम लोग कहीं मेरे दोष नहीं देखो, तो मेरे गुरु भाई है, अगर थोड़ी सी कहीं गलत किया तो देखेगा, फिर बोलेगा तुम्हें सावधान रहूंगा, नहीं जब मैं गलत काम नहीं करूँ तो शिष्य सावधान रहो। तुमने उसको जान बुझ कर पास में रखा, जैसे मेरे गलती को देखते रहे और बोलते रहे, और हम गलती चीज से दूर बचे रहे। इसलिए अगर ये चीज को दूर रखेंगे, फिर वो लता भक्ति लता बढ़ते बढ़ते बोलो बढ़ता मिल जाएगा, फिर तो प्रेम फल का स्वादन में ठीक है। बच्चा बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे Thank you.
जी चार पांच तीन चलो गए